गोरखपुर जिले में शनिवार को 94 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,873 हो गई है। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। अब तक 232 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। 13,335 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 1306 कोरोना मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, शहर में 53 नए मरीज मिले हैं। इनमें शाहपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को सबसे अधिक 16 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ में 6, रामगढ़ताल में 5, कैंट में 13, कोतवाली में 5, गुलरिया में 1, तिवारीपुर में 1, चिल्हुआताल में 1, राजघाट में 5 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 30 नए मरीज मिले हैं। इनमें चरगावा में 14, सहजनवा में 4, खोराबार में 3, बांसगांव में 1, गगहा में 1, कैंपियरगंज में 4, पिपरौली में 1 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों के 11 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, वहाँ पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।